आपको नजर आ रहा ना, एचडीडी का कनेक्टर हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, केबल लगेगा, केबल लग के उसके आगे में एचडीडी का कनेक्टर होगा। क्या वो इसी को बोलते हैं एफपीपी टाइप, एफपीपी टाइप। तो इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो आपको क्लियर कट इसका डेटा नजर आएगा। जो एचडीडी होता है उसमें 4 डेटा पाथ होता है, 2 होता है ट्रांसमिट के लिए, 2 होता है रिसीव के लिए। तो आपको क्लियर कट नजर आएगा, ये इसका पिन नंबर 1 हो गया, पिन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो 7 नंबर पिन तक है ये इसका डेटा पाथ है। तो इसमें पिन नंबर 2, 3 है ना, और 5 और 6 ये इसका डेटा हो गया। बाकी पिन नंबर 1 ग्राउंड होगा, पिन नंबर 4 भी ग्राउंड होगा, पिन नंबर 7 भी ग्राउंड होगा। इसके बाद की जो पिनें हैं वो सप्लाई के लिए हैं। तो सप्लाई के लिए भी केवल एक ही पिन का यूज किया गया जहाँ तक मुझे लग रहा है। आप ये देख रहे हो, ये ट्रैक दिख रहा है ना जी सर, यहाँ पर आपको 5 वोल्ट आएगा। आप इस पे चेक कर लो, इस पे चेक कर लो, 5 वोल्ट आपका यहाँ पर आएगा। तो जब भी हार्ड डिस्क की दिक्कत आती है, कि मतलब हार्ड डिस्क में क्या प्रॉब्लम आता है, दो ही प्रॉब्लम मोस्टली आते हैं हार्ड डिस्क को लेकर के, या तो आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं कर रही है, या फिर ऐसा हो रहा है कि जब हम हार्ड डिस्क लगा रहे हैं तो बोर्ड हमारा ट्रिप कर जा रहा है। विदाउट हार्ड डिस्क हमारा बोर्ड ओके है, हार्ड डिस्क लगा रहे हैं तो बोर्ड हमारा ट्रिप कर जा रहा है। तो दोनों ही केस में सबसे पहले तो आपको ये सप्लाई का कंफर्मेशन लेना है ना, विदाउट हार्ड डिस्क भी और विद हार्ड डिस्क भी, दोनों केस में आपको यहाँ पर सप्लाई चेक करना है। सप्लाई क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट 5 वोल्ट होना चाहिए। अगर आपकी सप्लाई लाइन बिल्कुल ओके है तो फिर आप डेटा पाथ पे आओगे। तो डेटा पाथ में आप देखो, इस डेटा पाथ में क्या है कि अगर आप इस डेटा पाथ को गौर करो तो देखो, आपको एक कैपेसिटर नजर आ रहा है, एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, टोटल 4 कैपेसिटर है। 2 कैपेसिटर हो गया टीएक्स के पाथ पे, 2 कैपेसिटर हो गया आरएक्स के पाथ पे, ठीक है ना। आप इसको रिप्लेस करके भी देख सकते हो, ठीक है ना, इस कैपेसिटर को रिप्लेस करके भी देख सकते हो। तो कैपेसिटर का ये जो एंड है ये तो मेरा हार्ड डिस्क के कनेक्टर पे गया है, और ये एंड है वो कहाँ जाता है आपका, एसओसी, पीसीएच, साउथ ब्रिज, मतलब जिस भी आर्किटेक्चर का आपका बोर्ड होता है उसको जाता है। लेकिन कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको रीड्राइवर आईसी मिलती है। जैसे अगर आप इस इमेज का ध्यान से ध्यान देखोगे तो आप देखो ये जो पाथ है, ये पाथ मेरा कहाँ आ रहा है, इस आईसी पे आ रहा है, देख रहा हूँ ना, इस आईसी पे पाथ आ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, आउटपुट होगा एक तरह से, ये चारों पिन क्या हो गया, आउटपुट हो गया, इस आईसी का आउटपुट हो गया, और इस आईसी का इनपुट आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये मेरा इनपुट हो गया। आपको एस्केमेटिक लेने की भी जरूरत नहीं, आपको इसको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये इसका इनपुट हो गया। तो मतलब इसको बोलते हैं पैरेड आईसी, रिपेयरिंग में इसको पैरेड आईसी बोल देते हैं, या फिर टेक्निकली क्या बोला जाता है, रीड्राइवर आईसी, साटा रीड्राइवर आईसी, ठीक है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है, फिर यहाँ पर कैपेसिटर लगा, 4 कैपेसिटर लगे, और ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये मेरे पीसीएस से कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये मेरे पीसीएस से कनेक्टेड है। तो कॉमन फॉल्ट है कि अगर जिस बोर्ड में आपको ये रीड्राइवर आईसी लगी आती है उसमें आपको साटा डिटेक्शन का इशू एक ना एक बार आएगा ही आएगा। तो वो प्रॉब्लम आती है इस आईसी की वजह से, मतलब सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका साटा का इशू है, साटा का इशू है, साटा डिटेक्ट नहीं हो रहा हार्ड डिस्क, और आपको ये आईसी दिख जाती है, कैसे समझ में आएगी, देख लो, एस्केमेटिक की जरूरत नहीं। आप कनेक्शन पे ध्यान से देखोगे तो इस ट्रैक को देख के आपको आइडिया लग जाएगा आईसी है कि नहीं है। बहुत ज़्यादा बोर्ड में नहीं है, गिने चुने बोर्ड में है, लेकिन है तो है, ठीक है ना। तो मुझे इसको बाईपास करना होगा, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसको बाईपास करते हैं। तो बाईपास का टेक्निक यही होगा, सामने सामने इस आईसी को हटा के सामने सामने जंपर करना है ना। नहीं चाहते हो, नहीं मैं अभी बाईपास नहीं करूंगा, मैं देखूंगा ये आईसी को, कहीं सप्लाई रिक्वायरमेंट का तो इशू नहीं है, कोई और इशू तो नहीं है, है ना, ड्राई सोल्ट का इशू नहीं है, तो वो कर सकते हो, आप अपने टाइम के मुताबिक वो कर सकते हो। मेरा काम था ये बाईपासिंग मेथड बताना, वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं साटा रीड्राइवर आईसी। इसको हम पैरेड आईसी के नाम से भी जानते हैं, पैरेड इसलिए कि ज्यादातर ये जो आती है ना आईसी पैरेड कंपनी की आती है, इसीलिए इसको पैरेड आईसी भी बोलते हैं।